ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे देश में से लाखों नौजवान हर साल विदेशों में जाते हैं ट्रक चलाने के लिए। ना सिर्फ मैट्रिक पास बल्कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और यहां तक के पीएचडी करके भी लोग भारत से कनाडा, अमेरिका जाना चाहते हैं और वहां जाकर ट्रक चलाना चाहते हैं। अमेरिका, कनाडा के अलावा सऊदी अरब, कतर जैसे देशों में भी बहुत से हमारे लोग हैं लाखों की तादाद में जो वहाँ पर जाके ट्रक चलाते हैं या टैक्सी चलाते हैं। आखिरकार ऐसा क्या है वहाँ पर कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी वहाँ पर जाके ट्रक चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में एक अनपढ़ व्यक्ति भी आज की डेट में अगर उसके पास कोई और ऑप्शन हो तो वो ट्रक नहीं चलाना चाहता। ट्रांसपोर्ट टीवी के एक व्यूअर हैं यूएसए से और यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में वो रहते हैं, वहीं पर अपना ट्रकिंग का बिजनेस करते हैं, ट्रक चलाते हैं, रेगुलर ट्रांसपोर्ट टीवी भी देखते हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ वीडियोज बनाकर हमें भेजे ट्रांसपोर्ट टीवी को और दिखाया कि जब हाईवे के ऊपर वो गाड़ी चलाते हैं और जब थक जाते हैं तो आराम करने के लिए जहां पर वो रुकते हैं वो जगह कैसी है, वहां पर रहने का, सोने का और वहां पर नहाने धोने का क्या इंतजाम है। ये वीडियो उन्होंने हमें कैलिफोर्निया से भेजा है, आप देखिए इस वीडियो को। तो ये जो वीडियो आपने देखा ये मंजीत सिंह हैं हमारे व्यूअर जिन्होंने भेजा है, कैलिफोर्निया में ये रहते हैं, लेकिन जो रेस्ट रूम इन्होंने दिखाया है, ड्राइवर्स के आराम करने की जगह जो इन्होंने दिखाई है वो टेक्सास स्टेट जो है अमेरिका की, वहाँ का ये है। तो आपने इस वीडियो के अंदर देखा, पहले तो पार्किंग देखिए कितनी खुली डुली और साफ़ सुथरी पार्किंग एरिया बना हुआ है, ट्रकों के लिए अलग से है, कारों के लिए अलग से है, और जो एंट्रेंस देखें और पूरी जो जगह बनी हुई है, हमारे देश में 4-स्टार होटल के लगभग आप इक्वलेंट आप देख सकते हैं ये फैसिलिटी। अंदर टीवी लगा है, चेयर्स लगी हुई हैं, वहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। इसके अलावा बेड वगैरह भी इस वीडियो में नहीं देख रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि वहाँ पर रहने का इंतज़ाम है। और उसके अलावा वॉशरूम्स आप देखिए किसी भी 5-स्टार होटल से कम नहीं है, चाहे आप वहाँ पर तौलिए जो पड़े हैं उनकी क्वालिटी देख लीजिए, वॉशरूम, शावर आप देखें, आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग है कि जैसे आप किसी होटल में रहने के लिए गए हैं, लेकिन ये फैसिलिटी है वहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए बनाई गई है, उनकी सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है। और सबसे बढ़िया बात जो मंजीत सिंह ने बताई वो ये थी कि इसका कोई भी चार्ज नहीं है, वहाँ पर गाड़ी पार्क करने का, वहाँ बैठकर टीवी देखने का, आराम करने का, नहाने का, रेस्ट करने का कोई खर्चा नहीं है वहाँ पर। इसके अलावा मसाज चेयर्स पड़ी हैं वहाँ पर आप अपनी बॉडी मसाज कर सकते हैं, उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगर कोई चीज़ खानी है तो मशीन्स लगी हुई हैं, आप पैसे डालेंगे चीज़ बाहर आ जाएगी, आप वो खा सकते हैं, उसके पैसे आपको देने होंगे। इसके अलावा जो गाड़ियाँ पार्क हैं उसकी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है, ज़्यादातर जगह पर सिक्योरिटी होती है, लेकिन अगर सिक्योरिटी ना भी हो तो भी वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कोई बैटरी निकाल के ले गए आप सो गए, या आपकी गाड़ी में से कोई कैश निकाल के ले गए, ऐसा वहाँ पर बिल्कुल होता नहीं है। तो जो ड्राइवर हैं वो चैन की नींद वहाँ पर सोते हैं, ना सिर्फ चैन की नींद सोते हैं बल्कि मैं कहूँगा इज्जत की नींद सोते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंड है, धुंध है, सारे लोग अपने रजाइयों में घुसे हुए हैं घरों में, लेकिन जो ड्राइवर हैं वो सड़कों पर एक छोटे से ढाबे की टूटी हुई चारपाई के ऊपर एक छोटी सी चद्दर लेके वहाँ पर लेटा हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत ही इज्जत की ज़िंदगी किसी एक बैंक मैनेजर या कोई बड़े आईटी ऑफिशियल से बढ़िया जगह, मतलब जो वो अफोर्ड कर सकते हैं उस लेवल का जो रहन सहन है वहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर्स का है। यही एक बड़ा कारण है कि लाखों जो युवक हैं हमारे देश से वो बाहर जाकर ट्रक ड्राइविंग करना पसंद करते हैं। पैसा तो है ही, साथ में लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं वो भी इतना अच्छा है, इसी वजह से जो ड्राइविंग कम्युनिटी है वहाँ पर उनकी सोसाइटी के अंदर इज्जत भी है।
यहाँ पर तो आज की डेट में आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है कि क्या हालात हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ऐसा नहीं है कि पूरी स्टेट के अंदर या देश के अंदर ऐसे 2-4 रेस्ट रूम ही हैं। मंजीत सिंह ने हमें बताया कि यूएस के अंदर लगभग हर 30-40 मील के बाद एक ऐसा रेस्ट रूम आ जाता है जहां पर जो ट्रक चालक हैं वो रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं और फिर आगे अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो एक बात आपके जहन में आएगी कि भारत के अंदर ऐसा सिस्टम बनाना बेहद मुश्किल है, एक तरह से असंभव ही लगता है आज की डेट में। पहली बात तो यह है कि सरकार की ऐसी कोई प्राथमिकता भी लगती नहीं है, हालांकि अनाउंसमेंट बहुत होती हैं, टेंडर वगैरह की बात चल रही है, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा ड्राइवर्स के लिए, खास करके ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोई रेस्ट रूम हमारे देश में सामने नहीं आया। ये जो वीडियो देखा रेस्ट रूम्स का, इसे देखकर मेरे दिमाग में दो चीज़ें आईं। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर ड्राइविंग कम्युनिटी जो है वो सरकार की प्राथमिकताओं में काफ़ी ऊपर है, उनको ख्याल है कि जो लोग हजारों मील सफ़र डेली करते हैं, ज़रूरत का सामान इधर से उधर पहुँचाते हैं, उनको आराम करने का हक है और इज़्ज़त के साथ आराम करने का हक है, इसी वजह से ये रेस्ट रूम्स हैं। दूसरी बात आप ये देखें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइविंग कम्युनिटी जो है, जो ट्रक चलाते हैं, सिर्फ उनके लिए अलग से रेस्ट रूम नहीं बनाया गया है। ये जो रेस्ट रूम आपने देखा, यहाँ पर अगर कोई प्राइवेट कार भी ले जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, तो वो भी इसी रेस्ट रूम के ऊपर रुक रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे देश में आप देखिए, किसी भी हाईवे के ऊपर देखिए, दो तरह के ढाबे आपको मिलेंगे या रेस्टोरेंट मिलेंगे। एक तो वो हैं यहाँ पर कारें रुकती हैं, कहने का मतलब यहाँ पर फैमिलीज रुकती हैं अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ लोग वहाँ पर रुकते हैं, और एक दूसरे ढाबे होते हैं जहाँ पर सिर्फ ट्रक वाले रुकते हैं। सोचने की बात है ये कि ऐसा क्यों है, एक ही जगह पर दोनों क्यों नहीं रुक सकते हैं। एक तरीके से आपने देखे कि एक अलग क्लास बना दी है कि जो ट्रक वाले हैं वो अलग बैठेंगे, अलग खाएंगे, अलग ढाबे पर रुकेंगे, और जो कारों वाले हैं वो अलग ढाबे पर रुकेंगे। कितना बड़ा एक डिवाइड आ गया है, यही कारण है और यही सबूत है कि एक जो ट्रक ड्राइवर आज की डेट में, उसकी सोसाइटी में उसके लिए क्या जगह है। उसके लिए ढाबा भी अलग बना दिया गया है, एक तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता कारों वाला ढाबा, और दूसरा जहां पर ट्रक रुके हैं आज की डेट में, वहां कार वाला कोई रुकना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, यही कारण है, यही ऐसे जो सटल रीजंस हैं जिसकी वजह से आज का जो नौजवान है वो इस लाइन में आना नहीं चाहता, ड्राइवर बनना नहीं चाहता। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो हमें YouTube पर, Facebook, Instagram, Twitter पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।